और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जरा जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मित्रों, 370 हटाने का जब मामला आया, ये सपा बसपा कांग्रेस सारे लामबंद हो गए, 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आज भी पूछता हूं, क्यों नहीं हटानी चाहिए? आप बताओ हरदोई वालों, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर से 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये लोग अरुण रुदन करते रहे और मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, और आज आज भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमारे हाथ में है और हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। मित्रों, ये हरदोई में मैं आया हूं, अभी जब चुनाव आता है, विशेषकर कांग्रेस सपा बसपा सबको बाबा साहब आंबेडकर याद आ जाते हैं, मगर एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मऊ में उनके शिक्षा स्थान पर स्मारक भाजपा ने बनाया, लंदन में स्मारक मोदी जी ने बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि भारतीय जनता पार्टी में बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल मोदी जी ने बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि भी मोदी जी ने बनाई। ये लोग बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग जब चुनाव आता है दलित कल्याण की माला जपते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं, गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 70 साल तक चार पीढ़ी से शासन करा, गरीबी नहीं हटी। आपने 2014 में मोदी जी को चुनकर भेजा, 2019 में मोदी जी को चुनकर भेजा, आज उत्तर प्रदेश के 42 लाख गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीब माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1 करोड़ 67 लाख माताओं को आज यहां पर बैठी है गैस का कनेक्शन मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत के तहत 16 करोड़ उत्तर प्रदेश वालों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोरोना आया, 130 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कोरोना आया, उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों को 2 साल तक 1 पैसा लिए बगैर राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, श्रमिकों के घर में योगी जी ने 1,000 रुपया प्रति श्रमिक 230 करोड़ रुपया भेजा, मोदी जी ने हर विधवा हर बूढ़े के अकाउंट में 1,000 रुपया भेजा, नई सिंचाई की 18 परियोजनाएं करी, मेडिकल कॉलेज 30 नए बना दिए हैं,